दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खुला खजाना आपके लिए में। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हम बनाने वाले हैं टेस्टी मैक्रोनी। ये देखिए, मैक्रोनी ली थी मैंने, इसे मैंने उबाल लिया है। जब आप उबालेंगे इसको तो इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिए, क्योंकि तेल डालने के बाद ये एक दूसरे में चिपकती नहीं। ये देखिए, एकदम अलग अलग है। अब मैंने इसे उबाल लिया है। अब मैं दिखाती हूँ आपको इसके मसाले। ये रहे, ये मैंने शिमला मिर्च ली है, प्याज ली है, मैंने प्याज कट कर ली है, थोड़ा टमाटर लिया है। अब मैंने कढ़ाई रख दी है, ये देखिए। अब मैं इसमें थोड़ा तेल डालूँगी। अजवाइन मैं इसलिए डालूंगी क्योंकि हाजमे के लिए अच्छी होती है। ये देखिए, अब मैं इसमें डालूंगी कटा हुआ प्याज। प्याज को मैं हल्का सा भुनने दूंगी। देखिए, हमारी प्याज हल्की सी भुन गई है। अब मैं इसमें शिमला मिर्च डाल दूंगी, मैंने कट कर ली थी छोटी छोटी। अब इसे मैं हल्का सा भुनने दूंगी, उसके बाद मैं टमाटर डालूंगी। ये देखिए, शिमला मिर्च हल्का सा ब्राउन होने लग गया है। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अलग अलग क्यों डाल रही हूँ, एक साथ भी डाल सकती थी, पर जो शिमला मिर्च होती है उसमें हल्का सा महक आती है, जो अगर हम भून लेते हैं उसके बाद फिर नहीं आती है। इसी वजह से मैं अलग अलग थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें सब डाल रही हूँ। अब मैं इसमें हल्का नमक डालूंगी पहले, फिर थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी। मसाले मैं थोड़ी देर बाद डालूंगी। बस 2 मिनट के लिए इसे मैं ढकूंगी। ये देखिए, मैंने पिसे हुए मसाले ले लिए। मैंने लिया है नमक, पिसा हुआ मिर्ची, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया। बस मैं इतने ही मसाले डालूंगी इसमें। ये देखिए, शिमला मिर्च अब हो गई है। अब मैं इसमें मैक्रोनी डालूंगी। ये देखिए, अब मैं इसे अच्छे से मिला दूंगी सारे में, ताकि मैक्रोनी थोड़ी सी दिखने में ऐसे छेद वाली होती है, इसमें मसाला अच्छे से जाना चाहिए तभी ये टेस्टी बनेगी। इसे सही से डुलाना चाहिए। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी ताकि अच्छे से पक सके। हमारी मैक्रोनी तैयार हो चुकी है। अब मैंने प्लेट में खाने के लिए डाल दी है। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट में करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।